आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएससी कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में। सीएससी के थ्रू आप एक कंप्यूटर सेंटर भी चला सकते हैं, जिसमें आप काफी सारे कंप्यूटर कोर्सेज करा सकते हैं, जिनमें एडमिशन भी ऑनलाइन होता है और एग्जाम भी ऑनलाइन होता है और डिप्लोमा भी ऑनलाइन ही डाउनलोड किया जाता है। जैसे कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, सीएससी सेल्फ पेड कोर्स है, कोर्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बेसिक ऑनलाइन कोर्स। इसके अलावा नाइलेट के थ्रू आप ट्रिपल सी कोर्स भी करा सकते हैं, जो कि सभी सरकारी नौकरियों में ज़रूरी होता है। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे आप उसमें स्टूडेंट का एडमिशन लेंगे, कैसे एग्ज़ाम होगा और कैसे उसका डिप्लोमा डाउनलोड किया जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने csacademy.org वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको लॉगिन में सेंटर पर क्लिक करना है, इसके बाद कनेक्ट विद डिजिटल सेवा पर क्लिक करना है। आपके सामने VLE रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा, यहाँ पर आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे, इसके बाद स्टेट चूज करेंगे, इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, इसके बाद यहाँ पर अपने सेंटर का एड्रेस फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि मैं स्क्रीनशॉट सेव कर लेता हूँ। इसके बाद आपको कनेक्ट विद डिजिटल सेवा पर क्लिक करना होगा और आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ से आप स्टूडेंट का एडमिशन ले सकते हैं, उसका एग्जाम करा सकते हैं और उसका डिप्लोमा डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद है BCC कोर्स, यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स। आप इस पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, या तो आप एड स्टूडेंट पर क्लिक करके किसी स्टूडेंट का एडमिशन ले सकते हैं और व्यू स्टूडेंट्स पर क्लिक करके आप जितने भी एडमिशन लिए हैं उन सबको देख सकते हैं। तो पहले हम ऐड स्टूडेंट्स पर क्लिक करके एक एडमिशन लेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, ये आपको फिल करना होगा। इसमें आपको स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन चूज कर लेनी है। इसके बाद स्टूडेंट का एड्रेस डालेंगे, पिन कोड, फोन, मोबाइल नंबर और स्टूडेंट की एक फोटो यहाँ पर अटैच करेंगे और पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि सभी डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो गई है और आपको एक बटन मिल गया है, पे नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स का सेलिंग प्राइस है 354 रुपीज और आपको पे करना है सिर्फ 180 रुपीज, बाकी सब आपका कमीशन रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो स्टूडेंट से 500 रुपीज या 1000 रुपीज भी चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना CSE पासवर्ड डालकर वैलिडेट करेंगे। इसके बाद आपको अपना वॉलेट पिन डालना होगा और आपके वॉलेट से पैसा कट हो जाएगा। इसके बाद आप अपने डैशबोर्ड में देख सकते हैं कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स में आपने एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आप BCC कोर्स में व्यू स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अमाउंट पेड हो गया है, मतलब कि इस स्टूडेंट का एडमिशन आपके कंप्यूटर सेंटर में हो चुका है। एक बार फीस पे करने के बाद आप स्टूडेंट को उसका यूजर नेम दे दीजिए, ये रहेगा उसका यूजर नेम और उसका जो मोबाइल नंबर है वो उसका पासवर्ड रहेगा और CSE Academy वेबसाइट पर वो लॉगिन में स्टूडेंट पर क्लिक करेगा। यहाँ पर उसको अपनी यूजर आईडी डालनी होगी और यहाँ पर पासवर्ड, उसका मोबाइल नंबर, उसका पासवर्ड रहेगा, साइन इन पर क्लिक करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये है स्टूडेंट का डैशबोर्ड। यहाँ पर देखिए असेसमेंट्स हैं, स्टार्ट नाउ पर क्लिक करके वो अपना सिलेबस देख सकता है और यहीं से तैयारी कर सकता है, जिसके लिए यहाँ लॉक पर क्लिक करेगा। हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज भी उसको समझ में आती है उस पर क्लिक करके वो एग्जाम की तैयारी करेगा। स्टार्ट नाउ, देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पर उसको सही आंसर देकर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ना होगा। इसी तरीके से यहाँ पर वो अपने एग्जाम की तैयारी करेगा। एक बार वो सभी असेसमेंट को कंप्लीट कर लेगा तो यहाँ पर उसका असेसमेंट रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद उसका फाइनल एग्जाम होगा, जिसमें यहाँ लॉन्च कोर्स पर क्लिक करके एग्जाम दिया जा सकता है। इसी तरीके से AWS एजुकेट एक कंप्यूटर कोर्स है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। Udemy कोर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा टॉपर एक कोर्स है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे कोर्सेज दिए गए हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जिस स्टूडेंट का भी आप एडमिशन लेते हैं, अगर आप चाहें तो अपने CSE कंप्यूटर सेंटर पर उसको कंप्यूटर सिखा भी सकते हैं या आप उसको बता सकते हैं कि वो ऑनलाइन भी सीख सकता है, जिसके लिए ईशान गुरु चैनल सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमने कंप्यूटर की पूरी सीरीज बनाई हुई है। तो अगर वो इन वीडियोज को शुरू से देख लेगा तो बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर चलाना सीख जाएगा और यहाँ पर वो अपना BCC एग्जाम भी क्लियर कर लेगा।
तो अगर आप चाहें तो अपने कंप्यूटर सेंटर पर सिखा सकते हैं, या फिर आप उसके साथ ईशान गुरु चैनल के लिंक्स शेयर कर सकते हैं, जो वीडियोस देख करके वो कंप्यूटर चलाना सीख जाएगा और उसके बाद वो एग्जाम क्लियर करेगा तो यहीं से डिप्लोमा भी डाउनलोड कर सकता है। इसके अलावा आप नाइलेट के थ्रू कराया जाने वाला CCC कोर्स भी अपने सेंटर पर करा सकते हैं। ये एक ऐसा कोर्स है जो सभी सरकारी जॉब्स में जरूरी होता है, तो इसके लिए आपको यहाँ नाइलेट कोर्स में क्लिक करना है, आपको चूज कर लेना है आप कौन सा कोर्स कराना चाहते हैं। आप अपने कंप्यूटर सेंटर पर ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल कोर्स भी करा सकते हैं। इसके अलावा आप BCC और CCC कोर्स भी करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं CCC, इसके बाद यहाँ पर आप चूज कर लेंगे कौन सा कोर्स आप कराना चाहते हैं, तो इसमें हम चूज करेंगे CCC। इसके बाद फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स की पूरी डिटेल्स फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। एक बार आप पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद 3 महीने के बाद एग्जाम आते हैं, तो जो भी सेंटर स्टूडेंट को मिलेगा वहां पर जाकर के स्टूडेंट को एग्जाम देने होंगे और एग्जाम के बाद वो नाइलेट की वेबसाइट से अपना डिप्लोमा डाउनलोड कर सकता है। सो इस तरीके से आप बिल्कुल फ्री में एक भी पैसा खर्च किए बिना अपना कंप्यूटर सेंटर चला सकते हैं CSE के थ्रू, जिसमें आप कई सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।